फ्रेंड्स कॉलोनी में कैप्टन घनश्याम सिंह तंवर के निधन पर शोक जताने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां से वापस जाते समय कॉलोनी में बुजुर्ग महिला व बच्चों को देख अपने हसमुख और मिलनसार स्वभाव के अनुरूप अपना काफिला रोका। मुख्यमंत्री के काफिले को देखने के लिए खड़ी बुजुर्ग महिला कृष्णा देवी से बातचीत कर उनका हाल जाना और उनके साथ उनकी पोती चौथी कक्षा की छात्रा कर्मिष्ठा से भी बात की। मुख्यमंत्री ने कर्मिष्ठा से उसका नाम, स्कूल और कक्षा के बारे में पूछा। कर्मिष्ठा ने बताया कि वह जी लिट्रा वैली स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा है। इस पर सीएम ने मुस्कुराते हुए कर्मिष्ठा से 12 का पहाड़ा सुनाने को कहा। कर्मिष्ठा ने बड़े ही सहज भाव से बिना किसी झिझक के पूरा टेबल सुनाया। मुख्यमंत्री ने खुश होकर कर्मिष्ठा को 500 रूपए इनाम स्वरूप दिए और अपना आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, उनकी सरकार बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई व संस्कारों पर ध्यान दें। मौजूदा समय में बच्चों को सही दिशा मिलना जरूरी है, जो स्कूल के साथ साथ परिवार से मिलती है। कर्मिष्ठा की दादी कृष्णा देवी ने मुख्यमंत्री को अपने घर जलपान के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने समय का अभाव बताया। गाड़ी में मुख्यमंत्री के साथ बैठे उनके प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी कर्मिष्ठा द्वारा मुख्यमंत्री के साथ किए गए संवाद से प्रभावित हुए। कर्मिष्ठा गांव तालू निवासी ब्रिजेंद्र सिंह पंघाल की बेटी है, जो फ्रेंड्स कॉलोनी में ही रहते हैं। वह अपने मकान के नुक्कड़ पर अपनी दादी और छोटे भाई दक्ष के साथ मुख्यमंत्री का काफिला देख रही थी। वहीं बातचीत में कर्मिष्ठा व उसकी दादी ने बताया कि हरियाणा के सीएम से मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। बेटा आपका नाम? मेरा नाम कर्मिष्ठा। बेटा आज आप सुबह किससे मिले थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी। बेटा आपको कैसे पता कि मुख्यमंत्री हैं वो? जब भी हम पढ़ते जब हमारी बुक में भी आते हैं। अच्छा आज आपकी क्या बात हुई? उनने सबसे पहले मेरा नाम पूछा, क्लास स्कूल और 12 की टेबल सुनी थी। फिर बेटा आपने 12 की टेबल सुनाई? हाँ। आपसे बातचीत हुई, क्या बात हुई? हम तो राजी खुशी की हुई, नमस्ते हुए, चाय पानी की पूछी, फिर वो बस बच्ची पे पूछा इतना चले गए। आपकी बच्ची से, आपकी पोती से बात की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बल्कि हमारे घर चाय पियो तो और भी अच्छा लगा, दूध पियो तो और भी अच्छा लगा। फिर इतना बोले जी टाइम नहीं है, इतना टाइम को नहीं होता। बाकी हमें तो बोला था, बहू ने बोला था, बोले अंकल जी बैठो चाय पानी पियो, बोला नहीं जी फिर किसे।